गुना में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की मुलाकात देखने लायक थी। दोनों नेता पूरी गर्मजोशी से मिले, एक दूसरे को माला पहनाई और गले लगे। इस दौरान दिग्विजय सिंह के बेटे और कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह भी मौजूद थे। दोनों के बीच मुलाकात तो हुई, लेकिन जैसी पहले से चर्चा थी कि दोनों नेता बंद कमरे में 45 मिनट तक गुफ्तगू करेंगे, वैसा नहीं हुआ। सड़क पर ही दोनों नेता मिले और फिर अपने अपने रास्ते निकल गए। बैठक के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय से मुलाकात को बेवजह का तूल दिया जा रहा है। राय साहब और हमारी मुलाकात हर बार होती है और हर बार होती है, इसमें कोई बड़ी बात क्या है? आप लोग मतलब हर चीज का बात का पतंगड़ क्यों बनाते हो भैया? हमारी मुलाकात सदैव होती है। अब वो गुना में हम गुना में तो फिर मुलाकात होगी। मैं आपसे मुलाकात करता हूँ तो आप कवर करते हो क्या कि मुलाकात क्यों हुई आपसे? पूरे प्रदेश में देखिए सियासत में तो आप समझते हैं ना, मुलाकातों का क्या मायने निकाले जाते हैं? आप मुलाकात मुलाकात होती है, जब आप किसी को जाते हैं मिलने के लिए तो क्या कुछ मायना, हर चीज़ का मायना, ये तो प्रॉब्लम है ना जिंदगी में, हर चीज़ का मायना नहीं होता। अगर मुलाकात हो रही है तो अच्छी अच्छा एक स्वच्छ परंपरा है भाई, क्या प्रॉब्लम है? अभी अभी क्या कयास लगाया जा रहा है राज्यसभा सीटें और इन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों के बीच में चर्चा? इसका मतलब है कि आप 18 साल बाद भी मुझे नहीं जाने, आप यही उत्तर दूंगा मैं। बताया जा रहा है कि समय की कमी की वजह से दोनों नेताओं के बीच बैठक नहीं हो पाई। हालांकि पहले माना जा रहा था कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक में पार्टी के ताजा हालात पर चर्चा होगी। कमलनाथ सरकार से सिंधिया की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, जिसको देखकर ये भी माना जा रहा था कि दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।